हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जलदाय विभाग में भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है। 1480 प्लस पदों पर भर्ती होगी और खास बात यह है कि इसमें सभी राज्य वाले छात्र वो फॉर्म भर सकेंगे। हालांकि जो अदर स्टेट वाले छात्र हैं उनको जनरल के अंदर माना जाएगा। 10th पास ITI वालों की खास करके वैकेंसी रहेंगी, बाकी अदर पोस्ट भी रहेंगी। और चयन प्रक्रिया क्या है वो भी इस वीडियो में बात करेंगे और नोटिफिकेशन कब तक क्या आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हमें इन्फो गवर्नमेंट जॉब के नाम से है, सर्च कीजिएगा और वहाँ पर आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन अपडेट्स है वो प्रोवाइड की जाती है, जो PDF फाइल वगैरह है तो उस पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है, देख सकते हो, जल निगम में जल्द होगी 1489 पदों पर भर्तियाँ। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आवेदन यहां पर शुरू हो चुके हैं। देख सकते हो, लखनऊ के एक समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार जल निगम शहरी में अधिकारी से लेकर बाबू तक के खाली 1489 पदों पर भर्ती जल्द यहां पर शुरू होने वाली है। जल निगम प्रबंधक ने वार्षिक कार्ययोजना में इन रिक्तियों का उल्लेख करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव संबंधित आयोग को भेजा जाएगा। स्वीकृत पदों में समूह कै के यानी कि आपका ए ग्रुप ए की यहां पर 37 वैकेंसी, ग्रुप बी की 172 वैकेंसी व ग्रुप सी की 1289 यहाँ पर पद खाली है। समूह गए के 322 तकनीकी सेवा के पद हैं। यहाँ पर देख सकते हो, 322 यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी टेक्निकल की है, तो यानी कि इसमें ITI वाले छात्र अलाउ रहेंगे, फीटर आपके इलेक्ट्रिशियन वाले अधिकारियों, खासकर यहाँ पर अभियंताओं और तकनीकी पदों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी के न होने से बाधा आ रही है। कुछ पदों पर संविदा या सेवानिवृत्त होने वालों को रखकर काम चलाया जा रहा है। पहले तो अधिकारी वर्ग को छोड़कर अभियंता और लिपिक सवर्ग पर भर्ती का अधिकार जल निगम प्रबंधक के पास ही था, लेकिन अब सभी भर्तियां संबंधित आयोगों को दे दी गई हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा अपडेट है वो आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर जल निगम के अंदर 1489 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है, जिसमें टेक्निकल पोस्ट भी रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है PET लागू हो चुका है, पिछली यहाँ पर आपका जनवरी में भी हुआ था और अब यहाँ पर दोबारा से PET के लिए आवेदन शुरू है, क्योंकि साल में दो बार यहाँ पर करवाने जाने की संभावना है। इसीलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2022 के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी है। आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई है और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 3 अगस्त है, यानी कि 27 जुलाई तक आप PET के लिए आवेदन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली वैकेंसी वो PET के अंदर आती है, तो जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के जो छात्र इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वो पहले PET के लिए फॉर्म जरूर भर दें और अपने नंबर यहाँ पर अच्छे से लेकर आएँ, ताकि उनका जो मेंस जब एग्ज़ाम होगी यहाँ पर जल निगम के अंदर, तो उनका सिलेक्शन है उस मेंस एग्ज़ाम में PET के परसेंटेज के आधार पर हो जाए। अदर स्टेट वाले छात्र हैं वो जनरल के अंदर क्वालिफाई होंगे, ये चीज़ ध्यान रखें। और उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ पर ये वैकेंसी है। तो ये यहाँ पर पूरा अपडेट था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वैल्यूबल कमेंट नीचे जरूर डालिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।